आज है मेरा लास्ट पेपर, तो ईद मुबारक अल्लाह। यहाँ से पूरा सूरज दिख रहा। आज का दिन तो इतना बिजी गया, इतना मुझे और जल्दी करना पड़ा, फिर भी मुझे इतना ज्यादा टाइम हो गया और अभी बज रहे हैं 2:30। मैं जल्दी फटाफट रेडी हुई, खाना वाना खाया और ऑटो वाले अंकल मेरा कब से वेट कर रहे हैं नीचे, तो मुझे जल्दी जाना होगा नीचे। और आज है मेरा लास्ट पेपर, तो लास्ट पेपर के दिन मैं लेट हो गई, तो मुझे जल्दी नीचे जाना होगा क्योंकि अंकल कब से वेट कर रहे हैं। और बाकी भी नीचे नमाज से आ गए और मैंने बाकी के लिए यहाँ पर ये पिज्जा बनाया था, के लिए बना के रख दिया, वो खा लेंगे। बाकी भी नीचे ही लग रहा, चलो हम जा रहे हैं। नहीं ये लग रहा, हमको भी लगेंगे हमको। हाँ अल्लाह हाफिज़। वो हमारा नकाब दे दो, हमारा बैग, चलो हम जा रहे हैं। ये बैग यहाँ पर है, हाँ लिए ना, तो हम निकल रहे हैं और मोबाइल अभी बाकी के पास रहेगा, तो ये लो मोबाइल। हम निजाब बांध रहे ना, जल्दी पकड़ो। ऊपर हमने आपके वक्त पिज्जा बना के रखे, मैं आप खा लो। हाँ ये इसकी वजह से मालूम हमारे नाक में इतना दर्द हो रहा, ये आता है। हाँ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। The next day. So guys, मैं पेपर से घर पर आ चुकी हूँ और आज के बाद से मेरे पेपर खत्म हो गए हैं, मतलब कि मेरे पेपर हो गए हैं पूरे। और आज है अरफा, तो मैंने सोचा डायरेक्टली अरफे का ही शूट कर लेते, क्योंकि गाइज मुझे टाइम भी नहीं मिला उसके बाद से, पेपर्स के बाद से शूट करने का, और एक दिन ही बीच में गया, तो मैंने क्यों ना सोचा कि आज का शूट कर लिया जाए, क्योंकि आज है अरफा और कल है अपनी बकरा ईद। और ये मोहम्मद हाशिर देखो कैसे लॉलीपॉप यहाँ खाते बैठे हुए थे, मैं आई थी ऊपर तो मेरे पीछे मोहम्मद हाशिर आ गए थे, है ना। तो हमारी चाची ने दरवाजे बंद कर दिए थे, हम नहीं आने दे रहे थे आपको, है ना। क्यों नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि आप बहुत सता रहे थे हमको, इसके लिए नहीं आने दे रहे थे। अभी बज रहे हैं 6:15 और अभी हमारी इफ्तार की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास आज सब रोजा, हम जो भी है मतलब सब सारे मुसलमान आज रोजा रहते हैं, क्योंकि आज के रोजे की बड़ी ही फजीलत है। फिर उसके बाद कल हमारी आ जाती है बकरा ईद। बकरा ईद पे तो आप सभी को मालूम है कि कितना बिजी शेड्यूल चलता है, हर तरफ गोश गोश गोश, है ना मोहम्मद। बकरे बकरे बकरे, आपने देखे ना बकरे। तो अभी मैं जा रही थी नीचे इफ्तार की तैयारी करने, इफ्तार निकालने के लिए। और आज हम लोगों ने बनाया है खाने में क्या, नहीं आज तो कुछ स्पेशल है, तो वो मैं अभी आप लोगों को नीचे जाके बताऊंगी। लेट के उठी, फिर असर की नमाज पढ़ी और अभी जा रही हूँ नीचे। तो टाइम थोड़ा कम था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इफ्तार की तैयारी की। तैयारी करने के बाद हम लोगों ने इफ्तार किया, इफ्तार करने के बाद मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज, थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज खाने में स्पेशली क्या बना है, बाकी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, मतलब कि आज तो सबके घर में ये बनता ही बनता होगा, मतलब ज्यादा करके लोगों के घर में बनता ही बनता होगा। ये है बिरयानी, वाह। और ये बनी है बाकी के लिए वेज बिरयानी, और वो थी हमारी मटर बिरयानी। ये है बाकी की बिरयानी, दोनों ही बिरयानी रेडी है और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे भूख भी लगी है। तो अभी हम थोड़े टाइम से, मतलब कि अभी तो इफ्तार करके उठे, तो थोड़ी टाइम से हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। और मोहम्मद हाशिर भी सो गए, इतना सता रहे थे इफ्तार के टाइम पे। ये देखो गाइस यहाँ पर कैसे सो रहे, इफ्तारी नहीं करने दिए, बहुत सता रहे थे, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना खाते टाइम देखते हैं मोहम्मद आशिर को भी उठाएंगे खाना खाने के लिए, और बाकी को भी, मैं जाती हूँ अभी ऊपर थोड़ा टाइम से, और बाकी को भी देखेंगे बाकी क्या करे ऊपर।
सो गाइस, हम लोगों ने रात में खाना शाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद इतना ज्यादा टाइम हो गया था और हमारे पास थोड़े मेहमान भी आ गए थे, हमारे दीदीज वो लोग। फिर वो उनके जाने के बाद इतना ज्यादा टाइम हो गया था, रात के 2 बजे मैंने और भाभी ने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद फिर हम बहुत ज्यादा थक गए तो सो गए। और आज है ईद उल अजहा। आप लोगों ने देखा कि मैंने नमाज भी पढ़ ली है ईद की और मैं यहाँ पर पूरी तरह से रेडी भी हो गई हूँ। मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया आज, बाकी नमाज से भी कब से आ चुके हैं और बैठे हुए थे उधर, तो मैंने बाकी को बोला जल्दी आओ ना, मोबाइल में मशगूल है। सो गाइस, मेरी और बाकी की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो बाकी भी रेडी हो गए, बाकी ने पहना है आज, क्या पहने, कब से हो गए थे और उनकी नमाज भी कब से हो गई थी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई और ये था मेरा ईद का आउटफिट। मैंने सिंपल सोबर ही लिया था क्योंकि इतनी गर्मी है और गर्मी में इतना मतलब पहना, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 ड्रेसेस नए न्यू रखे हुए लेकिन गर्मी की वजह से मैंने पहना नहीं। बाकी मुझे बोल रहे थे कोई और ड्रेस पहनो लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये पहन लिया। फिर बाकी को मेरे वेयर करने के बाद बाकी को भी ये अच्छा लगा, है ना बाकी। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए, अभी मैं इतना ज्यादा लेट हो गई हूँ और अभी हम जाएंगे नीचे सबको सलाम करने के लिए। और सलाम करने के बाद मैं खाऊंगी खाना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा फुल आउटफिट कैसा है, ये बताओ। और मेरा हेयर कलर भी इस पे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो चलो चलो। तो पहले सबको सलाम करेंगे, चलो अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने सबको सलाम कर दिया है। सलाम करने के बाद मैंने खाया था खाना। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी क्योंकि सब सो गए थे घर में, क्योंकि ईद के दिन वाकई सबको बहुत ज्यादा नींद आती है। फिर अभी बज चुके हैं 5 और मुझे जल्दी से ऊपर जाना है फोटो शूट करने के लिए मेरा। और मैं आप लोगों को एक बात बोलने वाली थी कि मेरा स्टैंड या ट्राइपॉड आया हुआ है कैमरे का, जो हमारा DSLR कैमरा है। यहाँ पर पूरा अंधेरा है, यहाँ की लाइट भी नहीं ऑन है। जो मेरा DSLR कैमरा है तो उसका हम लोगों ने ट्राइपॉड ऑनलाइन मंगाया था, तो ये पार्सल आ चुका है हमारा, है ना बाकी। ये पार्सल आप लो तो मैं जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करती हूँ इसको क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंचना है क्योंकि मेरा फोटोशूट नहीं होगा। फिर जल्दी से ये पकड़ो, आप जल्दी ये लो ना, जल्दी निकालो इसको। 1, 2, 3, 4, 5 वैसे नहीं रहता, उसको काटने के वास्ते कुछ लाना पड़ता। इतनी गड़बड़ हो गई ना, मुझे लगा था कि अभी 3 सारी बज रही लेकिन 5-6 बज गए अभी और अंधेरा होने से पहले मुझे ऊपर जाना होगा। जल्दी जल्दी करो, 5 सेकंड है। हाँ, चलो अब बस बस निकाल लेंगे, ऊपर निकाल लेंगे। चलो बाकी कहाँ है, चलो फास्ट भागो। हमारे साथ मोहम्मद आशीर भी है और अब्दुल बाकी भी। कैसा सामान लेके जा रहे मोहम्मद? हाँ। क्या लेके जा रहे आप? लाइट ऑन कर देंगे, वहाँ का कचरा हटा ही नहीं और मुझे चलना नहीं आ रहा है फ्रॉक में, ये बहुत ज्यादा घेर वाला है। हाँ चलो जल्दी चलो, ये लो मोहम्मद से आराम से। इतनी गड़बड़ हो गई, हम लोग गड़बड़ में जा रहे हैं। चल तो हम लोग टेरिस पे आ गए और वाह यहाँ का नजारा देखने लायक है, देखो पीछे। अभी मैं जल्दी मेरा फोटो शूट करूंगी और बाकी यहाँ पर हमारे बाकी कैमरामैन तैयार है उनके कैमरा के साथ। बाकी आप रेडी हो तो चलो मोहम्मद। और यहाँ पर मोहम्मद देखो कैसे साइकिल चला रहे, जल्दी जल्दी अभी रुको। तो चलो जल्दी, बारिश आने से पहले जल्दी फोटोशूट खत्म हो जाए प्लीज, जल्दी करो। नहीं अरे यार हाथ से खुलता वो, पकड़ो आप। चलो अच्छा लग रहा और यहाँ से पूरा सूरज दिख रहा।
मेरे YouTube चैनल पर मेरी फोटो भी पहली बार मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज आप लोग उसको भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है और बाकी ने तो सुबह ही उनका खाना खा लिया था, है ना बाकी? आप थके कि नहीं थके? इतना सारा शॉर्ट्स लिए हमारे, शूट्स लिए, थक गए ना? और मोहम्मद आशिर ने, यार गाइस, मोहम्मद आशिर के कपड़े इतने अच्छे पहने थे उन्होंने सुबह, और मैं वो व्लॉग में नहीं ले पाई, लेकिन अब उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए और वही कपड़ों में आ गए थे, है ना? लेकिन फिर भी मोहम्मद आशिर को कपड़े पहना कर लेंगे। और अभी मुझे भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ नीचे अभी फिलहाल। आप चल रहे? बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, रील एडिट करने का मेरे को, रील एडिट करने का काम करने का। ओके, और ये मैंने मेहंदी हम लोगों ने ऐसे लगाए थे, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी लगाई, अच्छी लग रही है ना? बाकी ने आइडिया दिए थे कि वो जो डॉलर आता 5 रुपीज के डॉलर से बोले ये गोल सर्कल बनाओ, है ना बाकी? Two hours later. हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और हमारे सारे काम फ्रेश हो गए हैं और मैं और बाकी बहुत ज्यादा थक गए हैं और घर में सारे बहुत ज्यादा थक गए हैं। और सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को प्रॉपर शूट नहीं बता पाई ईद का, मतलब कि कुर्बानी का, और भी दूसरे बहुत सारे थे क्योंकि हम दोनों इतना थक गए थे। उसके बाद कुछ दिल ही नहीं बोल रहा था कि कुछ कैमरा में कैप्चर करे। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। Office.